एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज पढ़ेंगे एक तो ड्वल नेचर, या कह सकते हैं डी ब्रॉग्ली कॉन्सेप्ट, ड्वल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के से भी और मॉडर्न फिजिक्स से भी, ठीक है। चलिए देखिए तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉग्ली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉग्ली कॉन्सेप्ट क्या है? डी ब्रॉग्ली ने ड्वल नेचर बताया था किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। उसने कहा था कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? ड्वल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वेव एज वेल एज पार्टिकल। वो वेव नेचर को भी शो करेंगे और पार्टिकल नेचर को भी। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? वो ड्वल नेचर रखते हैं, मतलब लाइक पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वैसे तो ये हर एक सब्सटेंस के लिए, हर एक मैटर के लिए उसने वैलिड बताया था, मगर ये सिग्निफिकेंस, इसकी वैल्यू निकल के आई वो किसके लिए निकल के आई? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल था जिसका मास ज़्यादा था उस केस में वेव लेंथ क्या आ रही थी? बहुत छोटी आ रही थी, इसलिए उसमें वेव नेचर कम हो गई थी, पार्टिकल नेचर ज़्यादा। जिसका मास बहुत छोटा आता था उसमें वेव लेंथ ज़्यादा आएगी तो उसकी वेव नेचर ज़्यादा हो जाती थी, पार्टिकल नेचर कम हो जाती थी। कहने का मतलब है कि हर मैटर के, कोई भी मैटर हो तो मैटर में ड्वल नेचर, हर एक मैटर क्या है? ड्वल नेचर में एग्जिस्ट करेगा, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। चलिए कैसे तो देखते हैं। डी ब्रॉग्ली कॉन्सेप्ट में क्या है? डी ब्रॉग्ली ने एक इक्वेशन दी। कैसे इक्वेशन दी? जब भी कोई मैटर क्या करेगा, अगर कोई मैटर क्या है कोई मूव करेगा तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी। उस मैटर वेव की जो वेव लेंथ है वो कितनी होगी? जब कोई मैटर मूव करेगा तो वहाँ से क्या है, एक वेव एसोसिएट होगी, जिससे बोला गया मैटर वेव। और उस वेव की वेव लेंथ क्या होगी उसके लिए एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन कैसे डराइव हुई जरा समझिए। क्या है, आइंस्टीन की एक इक्वेशन थी। आइंस्टीन ने क्या दिया था? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कि क्या होगा, कोई भी मैटर जो हर एक सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में एनर्जी स्टोर है, किसकी फॉर्म में? मास की फॉर्म में। और वो कितना होता है? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां एम क्या था? मास था सब्सटेंस का, और सी क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट थी। तो हर एक सब्सटेंस में जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने बताया था कि जो एनर्जी है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है, और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी थी? एच म्यू, एच म्यू, या कह सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात कर लो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की, या कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ले लीजिए, अगर वो क्या है, रेस्ट में है, तो मास की फॉर्म में होगा, और वो मास की फॉर्म में है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मगर जैसे ही वो क्या होगा, वेव फॉर्म में आएगा, तो वेव फॉर्म में आएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच म्यू या एस सी अपॉन लैम्डा। मगर एक ही सब्सटेंस है, जब वो रेस्ट में है, मार्स क्या कह सकते हैं, रेस्ट में है, तो उसकी जो एनर्जी है कितनी? एम सी स्क्वायर है। जब वो वेव फॉर्म में है या वो पार्टिकल नेचर में था तो एनर्जी कितनी थी? एम सी स्क्वायर। और वही पार्टिकल वेव फॉर्म में आ जाए तो एनर्जी कितनी होगी थी? एच म्यू या एस सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। जब चाहे वो पार्टिकल नेचर में रहे, चाहे वो वेव नेचर में रहे, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहनी चाहिए? कंजर्व रहनी चाहिए। तो इन दोनों एनर्जी को इसने क्या कर दिया, डी ब्रॉग्ली ने, इक्वल रख दिया। तो यहाँ से एम सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया एच एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से एक सी से सी कैंसिल हुआ, तो ये क्या बचा? एम सी, और ये बचा एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा को इधर ले जाएंगे तो एम सी नीचे आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया एच अपॉन एम सी। एम हो गया मास, सी हो गया स्पीड, तो इसे क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम। तो यहाँ से डी ब्रॉग्ली इक्वेशन आ गई कि लैम्डा इज इक्वल टू होगा एच अपॉन पी, पी मतलब मोमेंटम। क्लियर? चलिए तो डी ब्रॉग्ली कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड, ये कह रहा है कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द ड्वल नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। लाइक जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इवन कैन एनी थिंग्स मूविंग, ये कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट डी ब्रॉग्ली का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? ड्वल नेचर से रिलेटेड है। किसके? मूविंग पार्टिकल के। ये कह रहा है कोई भी मूविंग पार्टिकल हो तो उसमें ड्वल नेचर होता है। इस पे क्या है, डी ब्रॉग्ली ने कॉन्सेप्ट दिया। तो डी ब्रॉग्ली का कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसमें ड्वल नेचर होती है। मूविंग पार्टिकल वो कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इवन कुछ भी, एनी थिंग मूविंग सब ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। कोई भी मूविंग सब्सटेंस हो जिसमें क्या हो, मास हो, उसमें क्या होगा, वो ड्वल नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। किसने दिया था? डी ब्रॉग्ली ने। क्या है जी, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉग्ली, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग पार्टिकल्स आल्सो हैव ड्वल नेचर। तो डी ब्रॉग्ली के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स हो, मूविंग पार्टिकल्स हो, आल्सो हैव ड्वल नेचर। सब के सब क्या रखते हैं? ड्वल नेचर रखते हैं, मतलब
पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, दोनों नेचर को शो करते हैं। ठीक है, ये जो बात है किसकी, ड्री बोगली की, ये बात क्या है, हर एक मूविंग पार्टिकल के लिए वैलिड थी, मगर सिग्निफिकेंस ये वैल्यू किसके लिए निकल कर आई, लाइट पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंस वैल्यू निकल कर आई। क्यों, अभी बताएंगे। तो देखिए, तो ड्री बोगली ने क्या करा, जो जब कोई पार्टिक जब कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस क्या है, अगर वो रेस्ट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और अगर वो मूविंग है, वेव फॉर्म में है, तो उसकी एनर्जी होगी एच म्यू। इन दोनों एनर्जी को उसने इक्वल रखा, जिससे एक रिलेशन निकल कर आ गया कि लैम्डा इज इक्वल टू होगा एच अपॉन एम बी, या कह सकते हैं एच अपॉन पी, जहां एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट और पी क्या हो गया मोमेंटम, या एम हो गया मास ऑफ पार्टिकल और वी क्या हो गई स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल। क्लियर, तो जब भी कोई एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से मूव करेगा तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी, जिसे बोलते हैं मैटर वेव, वो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, एच अपॉन एम बी होगी। अब सुनिए, अगर ये क्या होगा, मास जितना कम होगा उतनी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, ये ऐसे कह सकते हैं मोमेंटम, मोमेंटम जितना कम होगा उतनी वेवलेंथ क्या आएगी, ज्यादा, तो उसमें वेव नेचर क्या होगी, ज्यादा। अगर क्या हो जाए, मास क्या हो जाए, मास क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मास ज्यादा मतलब मोमेंटम क्या हो जाए, ज्यादा, और मास ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी, और वो वेवलेंथ बहुत छोटी आएगी तो वो हमें मीजर नहीं हो पाएगी। जैसे कोई कार मूव कर रही है तो कार का मास, या ट्रक है कोई, या ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन का मास, या कार का मास, या ट्रक का मास क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी जो मास बहुत ज़्यादा है तो उससे जो एसोसिएट वेव लेंथ होगी, जब भी कोई ट्रक मूव करेगा तो उससे जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेव लेंथ बहुत छोटी होगी, और वो इतनी छोटी होगी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से दिखाई देगी। उसमें जो अप डाउन ये क्या होते हैं, मोशन होता है, वेव ऐसी तो मूव करती है, तो उसमें ये जो मोशन होंगे, ये एम्पलीट्यूड होगा, बहुत छोटा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से दिखाई देगा, तो उसकी जो वेव लेंथ है वो इतनी छोटी होगी कि मीजर नहीं हो पाएगी, इसलिए आप क्या कहोगे कि कोई वेव आपको दिखाई नहीं देगी, इसलिए उसमें इतना इफेक्टिव नहीं होगा, कह सकते हैं उसमें पार्टिकल नेचर फिर ज़्यादा होगी। अगर मास ज़्यादा है तो पार्टिकल नेचर होगी, अगर ये लाइट पार्टिकल हो जाए जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके मास बहुत छोटे हैं, मास बहुत कम है तो वेवलेंथ बड़ी होगी, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब हाई स्पीड से मूव करेगा तो क्या करेगा, एक लॉन्ग वेवलेंथ, एक बड़ी वेवलेंथ की क्या, एक वेव एसोसिएट करेगा, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, एक ठीक ठाक सिग्निफिकेंस वैल्यू रखती होगी। क्लियर, चलिए, तो जहां पे लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया वेवलेंथ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं मूविंग पार्टिकल, जब भी कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, उस वेव की कितनी वेवलेंथ होगी, वो थी लैम्डा, और वो लैम्डा कैसा आया था, एच अपॉन एम बी, या कह सकते हैं एच अपॉन पी। चलिए, तो लैम्डा क्या हो गया, वेव, तो लैम्डा क्या है, अगर हम बात करें तो लैम्डा क्या है, एक वेव प्रॉपर्टी है, तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या हो गई, वेव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें एम की, तो एम क्या है, एम क्या है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो m क्या हो गया, m पार्टिकल प्रॉपर्टी हो गई, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान रखना है कि जो लैम्डा है वो किसको इंडिकेट करता है, लैम्डा क्या है, लैम्डा किसी भी मैटर की क्या है, वेव प्रॉपर्टी है, और जबकि मास क्या होता है, किसी भी मैटर की पार्टिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब ड्री बोगली, तो अकॉर्डिंग टू द ड्री बोगली, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, रिवॉल्व। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द हिम्स, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्री बोगली, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड विद न्यूक्लियस इज लाइक स्टैंडिंग वेव। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या होता है, बाउंड होता है, तो वो क्या होगा, पार्टिकल नेचर में नहीं होता, किस में होता है, वेव नेचर में स्टैंड करेगा। तो ध्यान से सुनिए इस बात को एक बार फिर, अकॉर्डिंग टू हिम, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड विद न्यूक्लियस इज लाइक स्टैंडिंग वेव। तो क्या होगा, न्यूक्लियस से जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एक लाइक स्टैंडिंग वेव की तरह क्या करेगा, वेव करेगा, तो वो क्या होगा, पार्टिकल नेचर को ना शो करके कौन सी नेचर शो करेगा, वेव नेचर। तो देखिए, ये हुआ किसी भी एटम का न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या बताए थे बोर्स ने, कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व। तो उन्होंने कहा, तो अब ये क्या कह रहा है ड्री बोगली, कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में भी होते हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट में पार्टिकल नेचर में नहीं होते, वेव नेचर में होते हैं। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड में, न्यूक्लियस से जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो वेव की फॉर्म में होता है, वेव परफॉर्म करता है, वो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वेव मोशन होगा। तो देखिए, अब
कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में, इलेक्ट्रॉन उस स्पेस में पाया जाएगा जिस स्पेस में वो कंप्लीट वेव परफॉर्म कर लेता है, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में पाया जाएगा जहाँ पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करे। रदरफोर्ड बोहर्स ने क्या बताया था? बोहर्स ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में पाया जाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। जिस पहली सेल का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई, वो पहली सेल। जहां पे एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन 2 पाई मिल जाए वो दूसरी सेल, जहां पे 3h अपॉन 2 पाई था वो तीसरी सेल। अब ये क्या कह रहा है ड्री बोगली कह रहा है कि न्यूक्लियस से जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है, वेव परफॉर्म करेगा, यानी कि स्टैंडिंग वेव की तरह रहता है। स्टैंडिंग वेव की तरह मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन उस स्पेस में पाया जाएगा जहां पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करे। अगर जहां पे वो एक वेव कंप्लीट कर लेगा जिस सर्कुलर ऑर्बिट में, वो कंप्लीट वन वेव परफॉर्म कर लेगा तो वो कहलाएगी पहली सेल। जहां पे वो दो वेव कंप्लीट कर लेगा वो कहलाएगी थर्ड सेल। जहां जिस स्पेस में वो तीन वेव परफॉर्म कर लेगा वो क्या कहलाएगी, थर्ड सेल। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, तो न्यूक्लियस के राउंड में ये कोई इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन वेव परफॉर्म करा। देखिए, हाफ रिवोल्यूशन ये हो गया और हाफ रिवोल्यूशन ये हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो गई। वन वेव क्या होती है, वन साइकिल। तो हाफ साइकिल ये और हाफ साइकिल ये, ऐसे ही देखिए, हाफ साइकिल ये और हाफ साइकिल ये, ऐसे ही एक हाफ साइकिल ये और हाफ साइकिल ये, तो यहां से लेकर यहां तक की क्या हो गई, ये एक वेव हो गई। देखिए, हाफ साइकिल ये है और हाफ साइकिल ये है, तो ये क्या कहलाएगी, वन वेव। तो इस सर्कुलर में, इस सर्कुलर ऑर्बिट में कितनी वेव परफॉर्म कर रहा है, वन और वन टू और वन थ्री, तो तीन वेव परफॉर्म कर रहा है ये कंप्लीटली तीन वेव परफॉर्म कर रहा है। तो ये कौन सी सेल कहलाएगी, थर्ड सेल। तो इसका जो नंबर है सेल का वो कैसा हो जाएगा, n इजिकल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ वेव इजिकल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स को बता देंगे। जिस भी सर्कुलर ऑर्बिट में जितनी इलेक्ट्रॉन जितनी स्टैंडिंग वेव देगा वही क्या है, उसका नंबर ऑफ सेल्स होगा। अगर एक वेव परफॉर्म कर रहा है तो फर्स्ट सेल हो गई, दो वेव परफॉर्म कर रहा है तो सेल नंबर ऑफ सेल्स कौन सी हो गई, सेकेंड, और जिसमें तीन वेव परफॉर्म करेगा वो थर्ड सेल होगी। ठीक, जैसे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें एक हाफ सर्किल ये और हाफ ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एक वेव ये हो गई, दो तीन और एक फोर, तो कितनी वेव परफॉर्म करेगा, ये फोर वेव परफॉर्म करेगा। तो ये कौन सी सेल हो गई, ये फोर्थ सेल होगी। तो जहाँ पे फोर वेव कंप्लीट करेगा वो फोर्थ सेल। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड में केवल और केवल उसी स्पेस में पाया जाएगा जहाँ पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करे। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ वेव कंप्लीट नहीं हो रही, ये कंप्लीट वेव परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ से कहीं यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी कि एक वेव, दो वेव, तीन और एक, इसमें साढ़े तीन वेव आ रही है, ये कंप्लीट वेव परफॉर्म नहीं हो रही है। तो ये जो फोर्थ वाली वेव है ये कंप्लीट परफॉर्म नहीं हो रही, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ उस स्पेस में पाया जाएगा जहां पे वो क्या करे, कंप्लीट स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करे। क्लियर? चलिए, और जितनी वेव परफॉर्म कर रहा होगा, जितनी वेव क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा किसी भी पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में, वही क्या कहलाएगी, उसकी नंबर ऑफ सेल्स कहलाएगी, यानी कि एन की वैल्यू बताएगी। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स या प्रिंसिपल नंबर बोल दो। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, नंबर ऑफ वेव्स वो इक्वल होंगे किसके, एन के। तो जितनी वेव होंगी वही क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स होगा। तो यहाँ पे वेव, इसमें अगर हम बात करें वेव इन फेस, तो यहाँ पे वेव जो है फेस में है। अगर हम बात करें वेव आउट ऑफ फेस, तो यहाँ पे जो वेव है वो आउट ऑफ फेस में है क्योंकि वो कंप्लीट वेव परफॉर्म नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रॉन नॉट स्टेबल इन दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल, तो इस टाइप की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टेबिलिटी फील नहीं करेगा, यानी कि अनस्टेबिलिटी फील करेगा। तो इस टाइप की ऑर्बिट में जहां पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म ना करे वहां पे वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन नॉट स्टेबल इन दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेव आउट ऑफ फेस हो जाएगी, वेव क्या हो जाएगी, आउट ऑफ फेस, यानी कि कहने का मतलब है वेव जब आपस में टकराएंगी तो इस ये वाली वेव और इधर वाली वेव जब आपस में टकराएगी तो उनका फेस सेम नहीं होगा। यहाँ पे जब वेव आपस में टकरा रही है इसका मतलब क्या है, सेम फेस में आ रही है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट वेव परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर सेम फेस में आके कोलाइड करेंगी तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन्स, और सेम फेस में वेव आके कोलाइड नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन। या उल्टा कह लीजिए कि जिस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वेव परफॉर्म करे 1 2 3 4 5 तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वहाँ वो स्टेबल होगा, और जहाँ पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म नहीं करेगा वहाँ पे वो नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अगर क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वेव फॉर्म में होता है, पार्टिकल फॉर्म में नहीं होता, और क्वेश्चन पूछ लेता है बताइए सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव परफॉर्म करेगा, तो दो।
थर्ड सेल में पूछेगा तो कितनी वेव परफॉर्म करेगा, थ्री। अगर फर्स्ट सेल में पूछ ले कितनी वेव परफॉर्म करेगा तो वन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सर, ये कह रहा है सर्कुमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। ये कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ये न्यूक्लियस के राउंड में एक क्या है सर्कुलर ऑर्बिट है। इस सर्कुलर ऑर्बिट की सर्कुमफेरेंस अगर इसकी लेंथ में देखूँ तो इसकी पूरी लेंथ क्या होगी, 2πr। अगर इसकी रेडियस कितनी r, तो सर्कुमफेरेंस ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो कितनी हो गई, 2πr। और मान लीजिए इस सर्कुमफेरेंस में कितनी वेव परफॉर्म कर रहा है ये n। अभी तो इसमें मैंने गिन रखी तीन, मगर मान लीजिए कोई एक अननोन, एक कोई अननोन ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पता नहीं उसमें कितनी वेव परफॉर्म कर रहा होगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कितनी वेव परफॉर्म कर रहा है n। तो जो पूरी सर्कुलर ऑर्बिट है उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कुमफेरेंस होगा ऑर्बिट का वो कितना होगा, 2πr, जहाँ पे r क्या हो गया इस ऑर्बिट की रेडियस। मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी वेव परफॉर्म कर रहा है n, और एक वेव की लेंथ होगी कितनी, लैम्डा। तो जो एक वेव की लेंथ कितनी है, लैम्डा, और कितनी वेव परफॉर्म कर रहा है, तो वो कितनी वेव परफॉर्म कर रहा है, एन। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई जिसमें वेव मूव करी, एन इंटू लैम्डा। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, सर्कुमफेरेंस के इक्वल ही तो होनी चाहिए, क्योंकि सर्कुमफेरेंस में तो वेव मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की वेव की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके सर्कुमफेरेंस के। अब वेव लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, एक वेव की लेंथ तो है लैम्डा, मगर कितनी वेव परफॉर्म कर रहा है वो एन। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई वेव लेंथ, एन इंटू लैम्डा, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, सर्कुमफेरेंस के एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ से तो सर्कुमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट कितनी आ गई कि 2πr इजिकल टू होना चाहिए एन लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी वेवलेंथ एसोसिएट होगी, और जहां पे एन की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब या तो एक वेव या दो वेव या तीन या चार या पाँच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसमें वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करे। तो ध्यान रखना है, मैंने कि अगर हम बात करें प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ नॉट पॉसिबल, ये कह रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, किसकी, एन की। एन की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई सी भी, जिस इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा जहां पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करे। तो एन की वैल्यू क्या होगी, या तो 1λ या 2λ या 3λ, तो एन की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी। तो देखिए जी, अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर सर्कुमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज ए सिंपल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट का सर्कुमफेरेंस वो क्या हो, सर्कुमफेरेंस क्या हो, सिंपली मल्टीपल हो, किसके, लैम्डा के। ठीक है, मतलब जो सर्कुमफेरेंस है 2πr वो इजिकल टू होनी चाहिए 1λ, 2λ, 3λ, 4λ, 5λ। क्लियर होगी बात। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर सर्कुमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज ए सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई मतलब इंटीजर वैल्यू 1, 2, 3, सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ लैम्डा। क्लियर होगी बात, यानी कि 2πr इजिकल टू होगा एन लैम्डा के। अब जरा सुनिए, यहाँ पे डी बोगली की जो वेव लेंथ है वो कितनी आई। डी बोगली ने कहा कि जब भी कोई मासिव पार्टिकल मूव करेगा तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी जिसे बोलते हैं मैटर वेव, और उस वेव की वेव लेंथ कितनी होगी, लैम्डा इजिकल टू होगी एच अपॉन पी, जहाँ पी क्या है, मोमेंटम, और एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट। तो जो वेव लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, मोमेंटम के। तो जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे वेव लेंथ घटेगी। चलिए तो यहाँ से इक्वेशन क्या आई थी कि लैम्डा इजिकल टू हो गया था एच अपॉन पी, या पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। चलिए तो ये पहली इक्वेशन आ गई किसकी, डी बोगली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बताई डी बोगली ने कि जो सर्कुमफेरेंस है इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंट, जिसका सर्कुमफेरेंस सिंपल मल्टीप्लाई हो किसके, वेवलेंथ के। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई कि 2πr इजिकल टू होना चाहिए एन लैम्डा। तो दोनों इक्वेशन किस साइन, डी बोगली कॉन्सेप्ट से। अब जरा समझिए, इसने क्या करा, पहली और दूसरी इक्वेशन को रिलेट करा, क्या 2πr इजिकल टू क्या था एन लैम्डा, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू पहली इक्वेशन से उठाकर यहाँ रख दी। तो लैम्डा की जगह मैंने क्या रख दिया, 2πr इजिकल टू एन इंटू लैम्डा की जगह क्या रख दिया, एच अपॉन एम बी, एच अपॉन एम बी। ठीक है, अब इसमें क्या करा, इसने m और v को तो इधर ले गया, m और v को इधर और r को यहीं रखा, तो एम वी इंटू आर, और 2π को लिया है नीचे, तो क्या हो गया एम वी और आर। देखो एम बी को इधर ले गए और साथ में क्या रखा है, इधर आर, तो एम बी आर, और 2π को ले गया इधर,
तो एम बी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन एच अपॉन टू पाई, और एम बी आर क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम, या कह सकते हैं सर्कुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम हो गया ये एम बी आर, और एम बी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एन एच अपॉन टू पाई, और यही तो दिया था किसने, रदरफोर्ड्स ने, बोहर्स ने यही तो दिया था, बोहर्स ने कहा था कि न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उस सर्कुलर ऑर्बिट में पाए जाएंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एच अपॉन टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा। ये बात क्या है, बोहर्स बोहर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बोहर्स ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड में सिर्फ और सिर्फ उस सर्कुलर ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, स्टेशनरी स्टेट होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, और ये सेल कौन सी होंगी जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, वो सेल होंगी जिनका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का सिंपल मल्टीपल हो। ठीक, ये बात उसने बताई थी, मगर उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यही उसका क्या था, ड्रॉबैक था एक। तो एक मेन ड्रॉबैक उसका ये भी था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ग्राउंड में उसी ऑर्बिट में क्यों पाया जाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई है। तो इस बात को प्रूव कर दिया किसने, ड्री बोगली ने। ड्री बोगली ने अपनी क्वेश्चन से इस बात को भी प्रूव कर दिया कि जो बोहर्स है वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो गलत नहीं कह रहा था, मगर एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया था। एक्सप्लेन किसने किया, ड्री बोगली ने। क्लियर होगी बात। तो ड्री बोगली की इक्वेशन से हमने क्या कर दिया, बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। चलिए, जहां पे m क्या हो गया मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, v क्या हो गई स्पीड, और r क्या हो गई रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर, h तुम्हें पता ही है प्लैंक कांस्टेंट, और n क्या होगा इंटीजर वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। चलिए जी, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो ये क्या हो गया था, अगर हम बात करें तो ड्री बोगली वाज ग्रेट, तो ड्री बोगली क्या थे, ग्रेट थे, यानी कि वाज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये कह रहा है ड्री बोगली की जो जितनी भी बातें हैं वो बहुत ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती हैं, यानी कि हाई सिग्निफिकेंस रखती हैं, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। उन्होंने तो कहा था दुनिया का हर एक मैटर ऐसा होता है, दुनिया की हर एक चीज ड्यूअल नेचर में है, चाहे वो क्या है कोई भी हो, अगर मैटर सब्सटेंस जिसमें भी मास है वो मूविंग में है तो हमेशा ड्यूअल नेचर में होगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, चाहे वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, वो हमेशा ड्यूअल नेचर में पाया जाएगा। उसमें दो नेचर पाई जाएंगी, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मगर जो हैवी मासिव पार्टिकल थे उनमें वेव नेचर पाई जाती है, मगर उनकी जो वेव लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, वो पकड़ में नहीं आती, तो वेव लेंथ की बजाय कैसी दिखाई देती है, स्ट्रेट। उसलिए जो मासिव पार्टिकल थे, जो हैवी पार्टिकल थे, उनकी जो वेव लेंथ थी, मैटर वेव की जो वेव लेंथ थी बहुत छोटी थी। इसलिए अच्छी सिग्निफिकेंस में ये चीज़ें कब एप्लीकेबल हुई, जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हमने ये बातें लगा के देखी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जिनका मास बहुत छोटा हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, मोलिक्यूल्स है, आयंस हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, ये कह रहा है एक्सप्लेन बोहर्स फॉर्मूला आल्सो ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए क्या करा ड्री बोगली ने, क्या करा बोहर्स का जो एक्सप्लेन कर दिया किसको, बोहर्स फॉर्मूले को, कौन सा जी, बोहर्स फॉर्मूला आल्सो फॉर एंगुलर मोमेंटम। बोहर्स का जो एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ उसी सर्कुलर ऑर्बिट में पाए जाते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, ये बात बोहर्स ने बताई जरूर थी, मगर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और एक्सप्लेन किसने कर दिया, बोहर्स ने क्या कर दिया है, इस क्या कर दिया, ड्री बोगली ने बोहर्स के फॉर्मूले को भी क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब प्रूव कर दिया है, कौन से फॉर्मूले को, एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले को, ये अभी दिखाया आपको प्रूव करके। ठीक है, चलिए देखिए, अभी कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ एसोसिएट विद मूविंग पार्टिकल आइदर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, वेव एसोसिएट करेगा ही करेगा, यानी कि वो ड्यूअल नेचर में होगा ही होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए, तो अगर कोई मूविंग पार्टिकल क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आ गया, या कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आ गया, तो वो भी क्या करेगा, वेव एसोसिएट करेगा, उसकी भी वेव लेंथ आएगी, यानी कि वो भी ड्यूअल नेचर में रहेगा, ये बात भी उन्होंने बताई। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². ठीक है, अब हम बात करें तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv², इस 2 को इधर ले आऊं तो 2 × काइनेटिक एनर्जी हो गई mv², इसे मैं क्या करूं m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा m² v² हो जाएगा, वहां पे भी एक m आ जाएगा, तो 2mke × m² v²
एम वी क्या होता है, मोमेंटम, तो एम एम वी का स्क्वायर क्या हो गया, पी का स्क्वायर, तो यहाँ से मोमेंटम निकल कर आ गया कितना, 2mke, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2mke, या पी इज इक्वल टू कह सकते हैं रूट 2 kme, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान भी रखनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये आपको मैं बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1y2mv2, या एक ध्यान रखें पी स्क्वायर अपॉन 2m मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है। एक तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी यूज़ हो जाता है ये। ऐसे ही उल्टा कह लो, मोमेंटम क्या होता है एम बी, या क्या होता है रूड 2mke, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालें उसी से आ जाएगा, एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1y2mv2, इसको मैंने सोल्व करा, 2 को इधर ले गया, तो ये क्या हो गया 2k इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, मैंने m से दोनों तरफ क्या कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ पी स्क्वायर, और यहाँ से p निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू होगा रूड एम के। तो अब आगे से डायरेक्ट ध्यान रखें कि मोमेंटम की दो फॉर्म है क्या होंगी, यानी कि मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं एम इंटू वी, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो कितना होगा रूड 2mke। चलिए, तो मोमेंटम की जगह आ गया, जहाँ पी क्या है मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। चलिए जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अब क्या, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम क्या कर रहे हैं वी पोटेंशियल से एक्सेलेरेट कर दें, क्यू चार्ज पार्टिकल को वी पोटेंशियल से एक्सेलेरेट कर दें, तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है, क्यू इंटू वी आती है, बहुत बार पढ़ रखी है आपने ये, ठीक है। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को वी पोटेंशियल, अभी मैंने इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ाया था यही, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को वी पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करें तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी क्यू इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू इंटू वी भी लिख सकता हूँ, अगर ये चार्ज पार्टिकल है। तो देखिए, तो लैम्डा क्या हो गया, तो लैम्डा इक्वल होगा एच अपॉन पी, या पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ रूड 2mke, और या काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू इंटू वी। तो ये सारे फॉर्मूले बन गए इस टाइप से, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया एच अपॉन पी, या कह सकते हैं एच अपॉन एम बी, और या मोमेंटम को हम अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं रूड 2mke, या काइनेटिक एनर्जी को हम किसकी फॉर्म में लिखना चाहते हैं एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू वी। क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो गया, अगर कोई क्या है एम मास का कोई पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है क्यू, अगर वो वी पोटेंशियल से एक्सेलेरेट हो रहा है तो उससे कितनी, जिससे जो एसोसिएट वेव होगी उसकी वेव लेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू होगी एच अपॉन रूड 2mqe, जहां m क्या हो गया मास ऑफ पार्टिकल, q क्या हो गया चार्ज ऑफ पार्टिकल, और v क्या हो गया एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल, v यहां वेलोसिटी नहीं है। चलिए, तो v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कह सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, नीडेड। चलिए जी, फोर इलेक्ट्रॉन, अगर यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए कर लें तो इलेक्ट्रॉन के लिए q की वैल्यू होगी कितनी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है। तो इन वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें, h हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है 6.62 × 10⁻³¹ तो h की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू रखिए, q की वैल्यू रखिए, तो v रह जाएगा बस। तो वेव लेंथ इसे डायरेक्ट सोल्व होकर कितना आता है रूट 150/v, पूरे का होल का रूट है, लैम्डा इज इक्वल टू होगा रूट 150/v, और ये किस में आएगी जो वेव लेंथ आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी, ना कि मीटर में, ठीक है। या 150 का भी आप रूट ले लो तो ये वैसे कितना आता है, ऐसा आता है कुछ 12.27 अपॉन में क्या बचेगा रूट 2, अगर 150 का रूट निकालोगे तो। चलिए, तो लैम्डा क्या हो गया यहाँ पे वेव लेंथ एसोसिएट विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ, मगर ये जो फॉर्मूला है सिर्फ किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हमने जो वैल्यू रखी चार्ज की या मास की वो किसके रखी, इलेक्ट्रॉन के लिए रखी। अगर प्रोटॉन के लोगे तो प्रोटॉन का मास बदल जाएगा, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, वो किसी के लिए भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ प्रॉब्लम देख लें, ये कह रहा है कैलकुलेट डी बोगली वेव लेंथ, डी बोगली वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलेटेड बाय द वोल्टेज ऑफ 9.375 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको इतने वोल्ट से क्या कर दिया गया, एक्सेलेट कर दिया गया, तो बताना उससे कितनी वेवलेंथ, उससे कितनी वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होगी। तो लैम्डा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होगा रूट 150/λ, और लैम्डा की वैल्यू कितनी 150/b, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा रूट 150/v, और v की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी उसने 9.375,
तो रखिए वी की वैल्यू 9.375, इससे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 16 के आसपास। देखिए अगर मैं इसे मानूं कितना, अगर ये 10 होता है, 10 होता तो इसको कट कितने बार कट करता है, इसको 15 बार, मगर ये 10 नहीं, 10 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है तो ये कितना आ जाएगा 16 के आसपास, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। तो जो लैम्डा है वो कितनी आ गई 4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जो वैल्यू है किसमें निकल कर आएगी एंगस्ट्रॉम में। अगर मीटर में निकालोगे तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10^-10 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएट विद ए 663 ग्राम, इतने ग्राम क्या है, देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएट विद ए 663 ग्राम टेनिस बॉल मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है जिसका, जिसमें मास कितना है 663 ग्राम, और कितनी स्पीड से मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड से, तो वेवलेंथ बतानी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला रखेंगे इसमें, क्या है लैम्डा इक्वल टू होगा एच अपॉन एम बी, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी होगी 6.63 × 10^-34, मास ने हमें दे रखा कितना 663 ग्राम, मगर किस में लेके चलना है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी केजी, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.663 केजी, तो 0.663 इनटू स्पीड, वेलोसिटी कितनी है 50, बस यहां से सॉल्व कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी इतने मीटर। नेक्स्ट ये कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद कितना 66.3 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताइए उससे जो एसोसिएट, उससे जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो सीधा सीधा क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दो, सीधा सिंपल फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम बी। एम कितना दे रखा है, इतने एम दे रखा है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 × 10^-31 केजी, और स्पीड दे रखी कितनी 66.3, और एच हमें पता ही होता है कितना 6.63 × 10^-34, बस सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले आ गए, अगर हम बात करेंगे तो इसके जो फॉर्मूले हैं, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है लैम्डा, वो कितना आ गया था एच अपॉन पी मोमेंटम, ठीक है, एच अपॉन पी, या कह सकते हैं एच अपॉन एम बी, ठीक है, यह हम कह सकते हैं एच अपॉन, इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ले जाए तो 2m × ke, या अगर इसे क्या ले जाए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में ले जाए, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में ले जाए तो एच अपॉन रूट कितना हो जाएगा 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं क्यू बी। तो ये फॉर्मूले हो गए जी, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा एच अपॉन पी, या पी को लिख सकते हैं एम इंटू वी, या मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू वी, जहां क्यू क्या है चार्ज ऑफ पार्टिकल और वी क्या है एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, यहां वी एक्सेलेटिंग पोटेंशियल है और यहां पे जो वी थी वो वेलोसिटी थी, ठीक है। और यही अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो वो कितना था रूट 150 अपॉन वी, कितना एंगस्ट्रॉम में, या इसको और सोल्व कर लो आप, ये आ जाता है 12.27 और अपॉन में क्या बचेगा रूट बी, इतने एंगस्ट्रॉम। और ये फॉर्मूला आया किससे था, एक बार और बता देता हूं आपको, इसने क्या करा था, जब कोई भी मासिव पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी एनर्जी कितनी थी एम सी स्क्वायर आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, अगर वो वेव फॉर्म में है तो वेव की एनर्जी कितनी होगी एच म्यू, और ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए इक्वल, जब वो पार्टिकल नीचे रेस्ट में है तो एनर्जी ये होनी चाहिए, और जब वो वेव फॉर्म में है तो ये होनी चाहिए, और दोनों क्या होनी चाहिए एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, तो एम सी स्क्वायर इजिकल टू होना चाहिए एच म्यू। तो यहाँ से एम सी स्क्वायर इजिकल टू एच म्यू को लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा, सी से एक सी गया, और ये क्या हो गया एम इंटू सी मतलब मास इंटू स्पीड, और ये क्या होगा मोमेंटम, तो लैम्डा इजिकल टू क्या हो गया एच अपॉन एम सी, कह सकते हैं इसे पी। तो यही तो फॉर्मूला आता है, समझ गए कहाँ से डेराइव हुआ था ये। देखिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंफर्म्ड बाय द थॉमसन डेविएशन जर्मन, ठीक है। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि जो वेव नेचर है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कंफर्म हुई किसके द्वारा, कंफर्म्ड बाय थॉमसन ने और डेविएशन ने और जर्मन ने, तीन अलग अलग वैज्ञानिक थे, इनका नाम ही ये पड़ गया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया और कन्फर्म किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है पार्टिकल नेचर में नहीं है वेव नेचर में है। देखिए कोई भी सब्सटेंस ना तो 100% वेव होगी ना 100% क्या होगी, ना तो 100% वेव होगी ना 100% पार्टिकल नेचर होगी, ठीक है।
हाँ अलग बात है, वो अलग बात है कि किसी में पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगी तो पार्टिकल कहलाएगा, किसी में वेव नेचर ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा, वेव। और फाइनली यही निकल के आया कि जिसमें मास कम है वो पार्टिकल, वो क्या है, वेव नेचर में ज़्यादा रहेगा, और जिसमें मास हैवी है वो पार्टिकल नेचर में। जैसे ट्रक है पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रॉन से तो जनरली क्या होगा, वेव नेचर में। तो जिसका मास क्या है, हल्का है, वो जनरली क्या होता है, वेव नेचर उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो इसने कही कंफर्म हुई बात कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंफर्म किया किसने, थॉमसन ने, डेविएशन और जर्ब। ठीक है, क्या है, थॉमसन ने क्या करा था, थॉमसन ने और डेविएशन ने, इन्होंने सब ने एक ही तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे, बस अलग अलग मेटल लेके। जो थॉमसन ने जो मेटल यूज़ किया था वो गोल्ड यूज़, गोल्ड की पन्नी यूज़ की थी, और जो डेविएशन या जर्मन ने यूज़ किया था, इसने एक ने निकल यूज़ किया था और एक ने क्या, एल्युमिनियम गोल्ड, एल्युमिनियम की पन्नी यूज़ की थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सबका सेम था, बस अलग अलग मेटल की पन्नियाँ, फॉइल उन्होंने क्या करी थी यूज़। इसमें एयू, इसने गोल्ड की फॉइल यूज़ की थी, और इसमें क्या, एक ने निकल की फॉइल यूज़ की थी और एक ने एल्युमिनियम की। क्या था यहाँ पे, उसने क्या किया, थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर लिया, एक क्या कर लिया है, गोल्ड की स्क्रीन, गोल्ड की एक पन्नी ले ली, यानी कि गोल्ड की फॉइल ले ली एयू की, और इस पे क्या करे, इसके आगे क्या लगा दिया, कि स्क्रीन लगा दिया, यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी की स्क्रीन। और इसने क्या करा, हाई यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या करा, इस पे टारगेट किया, यानी कि बम्बार्डमेंट की। तो जैसे यहां से हाई इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, इस पे बोछार किया, हाई इलेक्ट्रॉनों को क्यों को बोछार किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो नेचर पता करनी है, जिसकी आप, अगर आपकी क्वालिटी पता करनी है, आपकी योग्यता पता करनी है, तो एग्जाम देने आप ही तो जाएंगे, एग्जाम देने आपके टीचर या आपकी मम्मी या आपके पापा या आपका भाई थोड़ी ना जाएगा। आपकी अगर हमें क्वालिटी चेक करनी है, आपकी एजुकेशन चेक करनी है, तो एग्जाम देने आप ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन की नेचर चेक करनी थी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे आगे बिहेव करेंगे टक्कर के बाद। तो जैसे क्या है, जब हमने क्या करा, इस क्या करा, इसने गोल्ड की फॉइल पे हाई इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को हाई स्पीड से कोलाइड किया, यानी कि हाई स्पीड के साथ जो मूविंग इलेक्ट्रॉन थे उनको इस पे कोलाइड किया या बम्बार्डमेंट की, बम्बार्डमेंट या बोछार की। तो उससे क्या पाया गया कि जैसे ये क्या है, इसमें से टकरा के इससे पार निकले, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे इस पे आके टकराए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक स्क्रीन पे ऑप्टेन हुआ, क्या हुआ, ये क्या हो गए, फैल गए यहाँ से। जब इसे थिन में से एक छोटा सा बीम डाला तो ये क्या हो गया, यहाँ से फैल गए, फैल, जैसे कोई लाइट, लाइट किसी पिन होल से जब पास होती है तो वो पूरी तरह फैल जाती है, तो ये से इस पूरी तरह स्प्लिट होना, फैलना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफ्रेक्शन। तो डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉनों का। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जब स्क्रीन पर आए तो उनका क्या हो गया, वो क्या हो गए, इस पैटर्न में पाए गए, बिखर गए, फैल गए ये इस टाइप से। और जैसे क्या फैल जाती है, कोई लाइट, और लाइट क्या है, वेव नेचर है, तो ये बिल्कुल लाइट की नेचर को शो कर रहे हैं, या कह सकते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे इस क्या है, इस फॉइल से टकराए, तो टकराने के बाद इन्होंने क्या करा, डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर दिया, मतलब फैल गए। और डिफ्रेक्शन पैटर्न कौन शो करता है, वेव नेचर। जो वेव है, वेव में डिफ्रेक्शन नेचर पाई जाती है, पार्टिकल में डिफ्रेक्शन नेचर नहीं पाई जाती, क्योंकि पार्टिकल होता है तो कोई सी एक डायरेक्शन को भागता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है पार्टिकल, टक्कर होकर इधर को भागेगा, मगर कोई सी एक तरफ भागेगा, चारों तरफ नहीं भागेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ भाग गए, इधर उधर भी क्या हो गया, डिफ्रेक्शन हो गया, लाइट की प्रॉपर्टी शो कर दे, यानी कि डिफ्रेक्शन। और डिफ्रेक्शन जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। तो ये बात प्रूव हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कन्फर्म्ड है कैसी, वेव नेचर। चलिए, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज सिमिलर टू द डिफ्रेक्शन ऑफ द एक्सरे। जैसे एक्सरे डिफ्रेक्शन शो करती है, वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर है। तो ड्वल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ड्वल नेचर ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ड्वल नेचर, बस फाइनली मगर क्या है, वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर ज़्यादा है, मगर कोई भी सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उसमें ड्वल नेचर पाई जाएगी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। वो अलग बात है कि वेव नेचर ज़्यादा है किसी में पार्टिकल नेचर। तो ड्वल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जो लाइट है वो भी क्या है, ड्वल नेचर में होती है। और ड्वल नेचर ऑफ मैटर, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, तो मैटर हो या कोई वेव हो, सभी जो पार्टिकल हैं वो भी वेव ड्वल नेचर में होंगे, और जो वेव हैं वो भी क्या होंगी, ड्वल नेचर में होंगी। जो पार्टिकल है उसमें भी वेव नेचर होगी, और जो वेव है उसमें भी पार्टिकल नेचर होगी। तो उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें भी क्या होगी, पार्टिकल नेचर, यानी कि वो भी ड्वल नेचर में होंगे। वेव तो ये है ही, साथ में पार्टिकल नेचर भी होगी, यानी कि ड्वल नेचर। और ये मैटर मतलब पार्टिकल, और पार्टिकल है तो इसमें भी वेव नेचर भी होगा, यानी कि क्या होगा, ड्वल नेचर में होंगे।
ठीक है। अच्छा एक और बात बताएं, इन पे बड़ी लड़ाई चली कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, सब ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट देते रहे, मगर फाइनली क्या है, ये बात क्लियर की थी आइंस्टीन ने बात कंफर्म करी थी कि आप लड़ो मत आपस में, ये क्या है, दोनों ही बातें ठीक हैं और दोनों ही बातें गलत हैं। उसने कहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों नेचर में एग्जिस्ट करती है, ड्यूअल नेचर में। और ये बात, तब से झगड़ा खत्म हुआ। इलेक्ट्रॉन हैज वेव डोमिनेटिंग नेचर बिकॉज ऑफ इट स्मॉल मास। वो अलग बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में ड्यूअल नेचर है, मगर क्या है, वेव नेचर क्या होगी, डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मतलब वेव नेचर ज्यादा परसेंटेज में होगी, पार्टिकल नेचर कम परसेंटेज में होगी। तो इलेक्ट्रॉन हैज वेव डोमिनेटिंग नेचर बिकॉज ऑफ इट्स मास स्मॉल। तो इलेक्ट्रॉन में जो फाइनली डोमिनेटिंग नेचर है वो कैसी है, वेव नेचर वाली। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, मास कम है तो इससे जो एसोसिएट वेव होंगी उनकी वेव लेंथ हाई होगी, इसलिए उसमें वेव नेचर ज्यादा पाई गई। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते रहे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी मीन्स होता है चेंज, और ये कह सकते हैं एरर, ठीक है। एरर में भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी। जैसे हम किसी भी स्टिक की लेंथ नाप रहे हैं, तो लेंथ नापने में आपको, आपसे क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। आप उसकी एग्जैक्ट लेंथ से थोड़ी ज़्यादा भी बता सकते हैं, थोड़ी कम भी बता सकते हैं। तो एरर मतलब मान लीजिए जितनी है उससे थोड़ी ज़्यादा भी बता सकते हैं, जितनी है उससे थोड़ी कम भी बता सकते हैं, तो इसे बोलते हैं एरर या अनसर्टेनिटी, ठीक है। चलिए, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या था, इसने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब 100% करेक्ट। वो कह रहा है किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम दोनों एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ 100% करेक्ट नहीं बताई जा सकती। अगर आप पोजीशन करेक्ट बताओगे तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ कमी होगी, और मोमेंटम सही बताओगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ गए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल विद सर्टेनिटी, या कह सकते हैं एक्यूरेसी, या कह सकते हैं 100% करेक्ट। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम ये कह सकते हैं या वेलोसिटी कह सकते हैं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 100% करेक्ट नहीं बताई जा सकती, ठीक है। और ये मेन ड्रॉबैक रहा किसका, ये मेन ड्रॉबैक रहा किसका, बोहर्स का। बोहर्स ने क्या करा था, बोहर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में इस पर्टिकुलर सेल में मूव कर रहा होगा, अगर वो फर्स्ट सेल में होगा तो उसकी रेडियस इतनी होगी और उसकी स्पीड इतनी होगी। उनने रेडियस पोजीशन भी बता दी कि पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पीड इतनी होगी, दोनों बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती। अगर उसने स्पीड सही बताई तो पोजीशन गलत बताई है, और पोजीशन गलत सही बताई है तो स्पीड गलत बताई होगी। तो इसको क्या है, ये मेन ड्रॉबैक रहा किसका, बोहर्स का। क्या? क्योंकि उसने क्या कर दिया था, उसने पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ बताई थी, और दोनों कभी भी एक साथ एक्यूरेट नहीं बताई जा सकती किसी भी मूविंग पार्टिकल की। तो उसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड क्या बता दी थी, साइमल्टेनियसली बता दी थी, जो इम्पॉसिबल है किसके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। इसने क्या किया, एक मैथमेटिकली क्या करा, एक मैथमेटिकली रिलेशन भी दिया। देखिए, अब ये देखिए, कैन मेजर्ड वन थिंग, अगर हम क्या करें, डेल्टा एक्स, एक्स क्या है पोजीशन, और डेल्टा एक्स क्या है पोजीशन में एरर, ठीक है, या पोजीशन में अनसर्टेनिटी। पी मतलब मोमेंटम, और डेल्टा पी मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी या मोमेंटम में एरर एट वंस टाइम, ठीक है। कह रहा है कैन मेजर्ड, यानी कि कैन मेजर्ड वन थिंग डेल्टा एक्स और या डेल्टा पी एट वन टाइम, एक टाइम पे आप या तो पोजीशन निकाल सकते हैं या मोमेंटम निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। और उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया, क्या, उसने कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, एक्स क्या है पोजिशन, मगर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप क्या करेंगे, इसमें एरर को कम करेंगे, पोजीशन की एरर कम करेंगे, तो मोमेंटम की एरर ऑटोमेटिक
क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप बिल्कुल इसको क्या करेंगे, इसमें एरर क्या कर देंगे, जीरो, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों? देखिए डेल्टा एक्स अगर हम इधर ले जाएं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू क्या है के, तो क्या हो गया, डेल्टा एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, डेल्टा पी के। ऐसे मान लीजिए डेल्टा एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, डेल्टा पी के। अगर इसमें मोमेंटम में एरर में क्या ले लूँ, जीरो, तो ये इसमें एरर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब पोजीशन में एरर और मोमेंटम में जो एरर है उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और एक रिलेशन भी दिया, मैथमेटिकल रिलेशन, क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, एच अपॉन फोर पाई, एच अपॉन फोर पाई। क्लियर? जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पोजीशन नहीं है, एरर इन पोजीशन, ये बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी क्या है, ये एरर इन मोमेंटम। क्लियर? तो डेल्टा एक्स क्या हुआ, अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा पी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी है पोजीशन में किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और डेल्टा पी क्या है, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी है किसमें, मोमेंटम में। इफ वन अनसर्टेनिटी इज स्मॉल देन अदर इज लार्ज, अगर एक अनसर्टेनिटी को, एक एरर को कम करोगे तो दूसरी एरर अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट जब ही रह सकता है अगर एक को घटाओगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए दूसरा ये कह रहे, यानी कि होल्स गुड, होल्स गुड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे कि ड्री बोगली कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट पाई गई, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब लाइट पार्टिकल, हल्के पार्टिकल जिनमें मास क्या होता है, कम, जैसे किसने यूज किए थे, ड्री बोगली कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब देखिए डेल्टा पी, आपको पता है पी इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू वी, पी इजिकल टू होता है एम इन टू वी। अगर डेल्टा पी निकालूंगा तो वो क्या होगा, एम इन टू डेल्टा पी, क्योंकि मास में तो कोई चेंज होगा नहीं, किस में चेंज होगा, वेलोसिटी में। तो डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इजिकल टू होगा एम इन टू डेल्टा वी। चलिए रख लीजिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इन टू डेल्टा पी बड़ा था या इक्वल था एच अपॉन फोर पाई के। तो यहाँ डेल्टा पी की जगह मैं क्या यूज रख सकता हूँ, एम इन टू डेल्टा वी, डेल्टा एम नहीं, एम इन टू डेल्टा वी सिर्फ। ठीक है, ये डेल्टा नहीं होगा। चलिए तो यहां से क्या हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, वो इक्वल टू होगी, ये एम पहुंच जाएगा नीचे, तो वो बड़ा होगा या इक्वल होगा एच अपॉन फोर पाई इंटू एम। ठीक, जहां डेल्टा वी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और देखिए जरा, अगर हम बात करें यहाँ लैम्डा इजिकल टू ड्री बोगली की, अगर हम बात करें तो ड्री बोगली के लिए लैम्डा इजिकल टू क्या था, एच अपॉन पी। किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए, कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग पार्टिकल हो तो वो क्या करता है, वेव एसोसिएट करता है, उसकी वेव लेंथ क्या होती है, लैम्डा, जिसे बोलते हैं मैटर वेव, वो इक्वल होगी एच अपॉन पी के। तो यहाँ से पी इजिकल टू क्या हो गया, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करिए, देखें इसको हम क्या करें, डी के रेस्पेक्ट, अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो ये कैसा हो जाएगा जी, डी पी अपॉन डी लैम्डा, वो इजिकल टू क्या होगा, एच तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, वन अपॉन लैम्डा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो लैम्डा को ऊपर ले जाओ, लैम्डा को अगर हम क्या करें, वन अपॉन डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्यों, देखिए ऊपर जाएगी पावर तो होगी लैम्डा की पावर माइनस वन, और जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो पावर है उसको यहाँ लाते हैं, और पावर एक क्या कर देते हैं, कम, तो माइनस वन में से एक और माइनस होगा तो क्या हो जाएगी, माइनस टू, लैम्डा की पावर माइनस टू, और जब वापस नीचे लाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएशन होकर क्या आएगा, तो डी पी अपॉन डी लैम्डा इक्वल होगा एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, नो ये तो देखिए, अब इसे हम क्या करें, तो यहाँ से क्या हो गया, कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा वो इक्वल हो गया किसके, एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर के। जरा इस वैल्यू को यूज कर लो, देखिए जी हम क्या है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा पी इक्वल हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो देखिए ये क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल था या बड़ा था किसके, एच अपॉन फोर पाई के। डेल्टा पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ से आप रख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा वो इजिकल टू क्या होगा, ये सब कुछ इधर चला जाएगा, एच से एच कैंसिल एक, और ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन फोर पाई, नया रिलेशन एक और आ गया, जो रिलेशन बुकों में भी नहीं लिखा और आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन किसी भी साल कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो क्या हो गया, ध्यान रखिए इसको, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा बड़ा हो गया, इक्वल हो गया किसके, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई के। कहाँ से आया वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गई बात। चलिए, जहाँ पे डेल्टा लैम्डा क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। एक और रिलेशन है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा एच वी अपॉन 4 पाई, वी है वेलोसिटी है, और डेल्टा ई क्या है, वेयर ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, और वी क्या है, वेलोसिटी हो गई। तो ये कह रहा है कि ये रिलेशन भी प्रूव करिए। तो देखिए कैसे, तो पहली बात तो एक ध्यान भी रखना कि ये रिलेशन भी हो सकता है, ठीक। अब इसको प्रूव करवा रहा कैसे, काइनेटिक एनर्जी की बात ले रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, 1/2 mv², इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ई से लिख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई mv², इसका डिफ्रेंशिएशन करें, अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करें तो देखिए 2 तो ऐसी रहेगा और इसका ई का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी ई, इसका एम तो ऐसी रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 की जो पावर है वो तो यहाँ आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2v, पहले तो वी स्क्वायर का करेंगे वो कितना हो जाएगा 2v, और फिर वी का करेंगे तो क्या होगा dv, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो dE अपॉन में क्या है ये dV लिया हो, तो dE अपॉन dV इक्वल टू क्या आ गया mv, या लिख सकते हैं इसे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी इजिकल टू क्या होगा mv होगा। रखिए जरा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो m इंटू डेल्टा वी है, या कह सकते हैं डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन mv लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजिकल टू था एच अपॉन 4πm, क्यों, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू था एच अपॉन 4π, जब डेल्टा पी को मैंने लिख लिया था एम इंटू डेल्टा वी और एम को मैं लिया था इधर, तो क्या बचा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजिकल टू था एच अपॉन 4πm था, मगर मैं डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी की जगह लिख सकता हूँ डेल्टा ई अपॉन mv, क्योंकि देखो डेल्टा वी को उधर ले जाओ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा वी इजिकल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन mv, आ गया कि नहीं आ गया, डेल्टा वी को उधर और mv को नीचे, तो डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकता हूँ डेल्टा ई अपॉन mv। अब यहाँ से m से m कट करिए और ये v कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो देखिए डेल्टा x इंटू डेल्टा ई इजिकल टू हो गया एच वी अपॉन 4π, तो एक रिलेशन ये भी आ गया। तो ये भी रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे डेल्टा ई क्या है, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं एरर इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे अब और देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट, एक क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद कितना जी, इतनी वेलोसिटी साथ, एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजिशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है, कैलकुलेट करना अनसर्टेनिटी इन पोजिशन किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और कौन से इलेक्ट्रॉन की जो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी से, 6.62×10⁶ स्पीड से मूव कर रहा है, मगर इसकी वेलोसिटी में जो एरर है, ये जो वेलोसिटी दी गई है इसमें एरर कितनी है, प्लस की या माइनस की कितनी, 70% एरर है। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एरर ही चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, वी का कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे, डेल्टा वी किससे आएगा, वी, देखिए डेल्टा वी किससे आएगा, डेल्टा वी आएगा वी इंटू 70%, क्योंकि वेलोसिटी में एरर, डेल्टा वी हमें चाहिए होती है, यानी कि एरर इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में एरर कितनी है, 70% है, और वी है कितनी, वी है 6.62×10⁶ कितना है, 6 इंटू क्या कर लेंगे, एरर, एरर कितने, 70%, 70% का मतलब 70/100, 100 से जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये बच जाएगा 6.62×10⁶ कितना बचेगा, ये 4 बचेगा और इंटू 17, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो एरर है, देखिए ये एरर आ जाएगी, तो जो डेल्टा वी है वो कितनी होगी, 1/100 इंटू 7 में क्या होगा ये 17%, ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा वी निकल जाएगा इससे, तो डेल्टा वी निकल गया, तो बस तो फॉर्मूला लगा देंगे फिर, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजिकल टू होगा एच अपॉन 4πm, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है कितना, 6×9.1×10⁻³⁻³ kg, v हमें डेल्टा वी यहाँ से आ गया होगा, और डेल्टा एक्स हमें निकालना, एच की वैल्यू हमें पता होती, हो जाएगा सॉल्व। चलिए देखिए, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, मतलब डेल्टा एक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/3 pm, ठीक है, तो हमें क्या दे दिया, डेल्टा एक्स दे दिया कितना, 1/3 pm, व्हाट इज द डेल्टा वी, तो डेल्टा वी पूछ रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए,
तो देखिए हमारे पास, हमें क्या दे दिया उसने, डेल्टा एक्स दे दिया। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू कितना है, 1/3 है पीकोमीटर। तो मीटर में ले जाएंगे तो पीकोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10^-12। तो ये हमें क्या दिया है, सीधा डेल्टा एक्स दिया है। देखो पोजिशन दी है अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, मतलब डेल्टा एक्स। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, इफ़ क्या पूछ रहा है मालूम करा, व्हाट इज़ द डेल्टा वी। तो डेल्टा वी पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजिकल टू होगा h/4πm। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी हम निकालेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे, डेल्टा एक्स को इधर ले जाएंगे, डेल्टा एक्स को यहाँ ले आएंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 × 10^-12। बस सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, एच की वैल्यू होगी, देखिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या रखा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजिकल टू होगा h/4π। देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू होता है h/4π, मगर मैं डेल्टा पी की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, डेल्टा वी। डेल्टा पी होता है m इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी मैंने यहीं छोड़ा, m यहाँ ले आया हूँगा। डेल्टा वी मुझे निकालना है, डेल्टा एक्स मुझे पता है, तो डेल्टा एक्स को भी इधर ले जाओ। तो h/4πm इंटू डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। एच की वैल्यू पता, पाई की वैल्यू पता, एम की वैल्यू पता, डेल्टा एक्स की पता, सॉल्व हो जाएगा। ये चार फॉर्मूले आ गए थे जो मैंने आपको बताए। तो मैंने आपको देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, वेलोसिटी में एरर और मोमेंटम में एरर, मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, वो इक्वल होगी या बड़ी होगी h/4π से। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी, तो एम को ले जाऊंगा इधर, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बड़ा होगा या इक्वल होगा h/4π के। और एक दूसरा रिलेशन बताया था किसमें, वेवलेंथ में, तो वो कितना हो गया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा, वो बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, लैम्डा स्क्वायर अपॉन, वो इक्वल होगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4π। ये मैंने प्रूव करवाया कैसे। और एक और काइनेटिक एनर्जी में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई बड़ा होगा या इक्वल होगा h v अपॉन 4π। तो ये चारों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, ये दोबारा से मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, और भी रिलेशन हो सकते हैं, जैसे और रिलेशन क्या हो सकते हैं, सुनिए, जैसे हमारे पास क्या था, डेल्टा हमारे पास था ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूँ कि नहीं, और वो बड़ा था या इक्वल था किसके, h/4π के। ठीक, चलिए एक तो पहले इसकी बात समझो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा होगा या इक्वल होगा h/2 के। ये IIT में पहली बार पूछा गया था एक साल में। ठीक है, तो लोग बाग इसे गलत समझ गए कि यहाँ रोशनी फैल गई होगी, रोशनी नहीं फैली, ये h/2 इजिकल टू होता है कितना, h/2π। h/2 की वैल्यू होती है h/2π। तो अगर मुझे h/4π लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ h/2 × 2π, और h/2π को मैं क्या लिख सकता हूँ, h/2, तो h/2। तो ये h/4π की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h/2 भी लिख सकते हैं, पहली बात तो ये भी समझो। दूसरा, अब इसे मैं क्या करूँ, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। देखिए एक ये रिलेशन भी कई बार पूछा गया एग्जामों में, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डेल्टा टी से डिवाइड, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, या ऐसे कह लो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से ले लो। देखिए ये क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू ये क्या हो गया, एक्सेलेशन बड़ा होगा या एक, और इंटू साथ में क्या है, ये डेल्टा टी है एक, बड़ा होगा इक्वल होगा h/4π से। ये एम में क्या हो गया, मास, और मास इंटू एक्स ये क्या हो गया, डिस्प्लेस फोर्स, एम इंटू ये क्या हो गया, फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन कह लो या क्या कह लो, एनर्जी कह लो। ठीक है, तो इसे मैं एनर्जी भी कह सकता हूँ। तो ये डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, h/4π के, या h/4π की जगह क्या लिख सकता हूँ, h/2π। ठीक है, h/2π, नहीं पाई तो यहाँ आ गया, या ऐसे देख लो, इससे स्टार्ट कर लो आप, इसे डेल्टा टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ठीक, और इजिकल टू वो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, h/4π के। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या कहलाता है, फोर्स, ये तो हो गया फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या कहलाता है, वर्क डन या एनर्जी। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई लिख सकता हूँ या डेल्टा डब्ल्यू लिख सकता हूँ, इंटू डेल्टा टी,
वो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, एच अपॉन फोर पाई के। तो देखिए एक रिलेशन ये भी बन के आ रहा है ये, ठीक है। तो आप इन ये चार रिलेशन ये और एक ये, इन पांचों रिलेशन को ध्यान रखिए कि डायरेक्ट ये इस फॉर्म को किसी भी फॉर्म में बदल के डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा हाइजेनबर्ग अनसेंटेड प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अगर इस पे से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पे से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर कुछ अलग हटके आएगा, नहीं तो नॉर्मल सा आएगा, वो नॉर्मल सा तो तुम भी कर दोगे और बाकी सब बच्चे भी करेंगे, कुछ हटके आएगा तो आप लोग करने चाहिए, बाकी रह जाने चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस पे नहीं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको मैंने आपको बता रखा है इस चैप्टर का रिवीजन लेंगे, रिवीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम कराएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम और इतनी सारी कुछ बढ़िया बढ़िया से फंडे, बढ़िया बढ़िया सी बातें बताएंगे जिससे आपको किसी बुक की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ, इसकी जो वैल्यू है जब हम सोल्व करते हैं, जैसे अभी हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व करा, यहाँ एच की वैल्यू रखी, इसकी फोर की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू करी, इन्हें सोल्व भी तो करना पड़ेगा, मगर ये एच अपॉन फोर पाई आज भी इतना ही है, कल भी उतना ही रहेगा, हमारे घर भी इतना ही है, तुम्हारे घर भी इसकी वैल्यू उतनी रहेगी, एग्जाम हॉल में इसकी वैल्यू भी उतनी रहेगी। तो इसकी वैल्यू को आज ही सोल्व कर लो ना, बार बार क्यों सोल्व करते हो वहाँ एग्जाम में जाके। तो होगा 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34, कितना जूल सेकेंड। तो ध्यान रखना एच अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये किसमें, एसआई में, और अगर सीजीएस में होगा तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की पावर 7, तो वहां से 10 की 7 पावर घटा देंगे तो फिर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये वैल्यू निकल कर आ जाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एच अपॉन फोर पाई की जो वैल्यू है वो 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो गई। अगर अर्ग सेकेंड में लूंगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 37 पावर, इसमें से कम प्लस कर देना, क्योंकि जूल को जब अर्ग में ले जाओगे तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग, तो प्लस 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने बचेगी, माइनस की 27 पावर बचेंगी, तो माइनस की कितनी बचेंगी, 27। अब ये हो जाएगा अर्ग सेकंड में। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले इस बात को याद रखेंगे, नहीं तो बार बार हमें वहां सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। अगर ये वैल्यू हमें पता है तो अब कैलकुलेशन बहुत ही छोटी सी हो गई होगी, देख लो आप, ठीक है। चलिए बाकी सब रिविजन में बताएंगे बहुत अच्छे से। थैंक्स।